हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में। यहाँ पे कुछ विंडोज के की होंगे शॉर्टकट और वर्ड के की मिलेंगे। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 92 शॉर्टकट की है। चलिए तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, आपको पता होगा, किसी वर्ड को सेलेक्ट करके ही हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल बी, ठीक है। तो सेलेक्टेड वर्ड को हम सेलेक्टेड वर्ड पे ही अप्लाई करते हैं कंट्रोल बी। एक होता है कंट्रोल ई, इसका मतलब होता है क्या, देखो इसमें फेवरेट, अगर हम कंट्रोल बी की बात करें विंडो में, ठीक है, विंडो में क्या होता है, फेवरेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। और एमएस वर्ड में बात करेंगे तो ये कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, ठीक है। दोनों में फर्क होगा, अगर विंडो पूछेगा तो अलग होगा और किसी पैकेज में पूछेगा तो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज की बात हो रही है। कंट्रोल ई से होता है सर्च बार ओपन होता है, और कंट्रोल एफ से होता है स्टार्ट फाइंड यूटिलिटी ओपन होगा, कंट्रोल एच से ओपन होगा हिस्ट्री बार, और कंट्रोल आई से ओपन होगा फेवरेट बार, ठीक है। ये विंडो की बात हो रही है। इसके बाद हम कंट्रोल एल से ओपन करेंगे डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल एल से ओपन करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। फिर कंट्रोल एन है, इससे हम अनदर इंस्टेंट ब्राउजर विद सेम वेब एड्रेस, मतलब हम चाहते हैं कि सेम ब्राउजर ओपन करवाएं, तो हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल पी से हम यूज करते हैं प्रिंट डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल आर से अपडेट करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं ना, वो चीज हम करते हैं। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट F10 से हम यूज करते हैं डिस्प्ले एक्शन शॉर्टकट मेनू सेलेक्टेड आइटम। अगर किसी भी आइटम का कोई शॉर्टकट बनाना है तो शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करोगे बन जाएगा। F1 की से क्या करते हो, किसी भी टॉपिक का हेल्प ले सकते हो, चाहे एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी वर्ड, आपके पास ऑफिस पैकेज हो, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसमें F1 का की फिक्स किया जाता है हेल्प बटन के लिए। F5 का यूज करते हैं हम लोग अपडेट करने के लिए किसी भी की को, वैसे नॉर्मली F5 केवल यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए भी, ठीक है। और कंट्रोल F10 का हम यूज करते हैं मैक्सिमाइज विंडो, जैसे क्या होता है, आपके पास ये विंडो ओपन हुआ है, विंडो को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। और कंट्रोल F5 से यूज करते हैं रिस्टोर कंसोल विंडो, और अल्ट इंटर से हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी डायलॉग विंडो। अब देखो नेक्स्ट, F2 से यूज करते हैं किसी भी फोल्डर का हम रीनेम कर सकते हैं, सिलेक्टेड आइटम की बात हो रही है। और कंट्रोल F4 से यूज करते हैं क्या, अगर कोई विंडो ओपन है पूरा पूरा विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है ना, इसको कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन नेविगेशन कर सकते हैं हम इसको। कंट्रोल अल्ट डिलीट इसे यूज होता है, एक बॉक्स आता है जिसका नाम है, मैं एक बार दिखा दूं आपको, इसको कहते हैं टास्क मैनेजर, ठीक है। तो जो टास्क मैनेजर होता है, इससे हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, हैंग कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आप कंट्रोल अल्ट इंट ओपन करोगे, सॉरी कंट्रोल अल्ट डिलीट से होता है वो ऑप्शन, और कंट्रोल अल्ट डिलीट इंट से क्या होगा, जो इसका जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो आता है। अल्ट प्लस पेज अप से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास अल्ट और फंक्शन की के बीच में होता है, जो स्पेशल फंक्शन की, उसके अंतर्गत हम यूज करते हैं किसी प्रोग्राम को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। अल्ट पेज डाउन की यूज करेंगे तो स्विच बिटवीन प्रोग्राम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं अल्ट और इंसर्ट एक साथ दबाते हैं तो हमें मिलेगा साइकिल विद प्रोग्राम मोस्ट रिसेंटली यूज ऑर्डर, और अल्ट होम की प्रेस करते हैं तो स्टार्ट होम पे चले जाते हैं जो हमारा होम होता है। कंट्रोल अल्ट ब्रेक यूज करेंगे डायरेक्टली तो स्विच कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम पर हम फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है, किसी भी सिस्टम को फुल करना है तो फुल कर सकते हैं। अल्ट डिलीट का यूज करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले विंडोज मेनू खुल जाएगा, और इसके बाद कंट्रोल अल्ट माइनस यूज करते हैं साइन तो वहां पे स्नैपशॉट में मिल जाएगा, ठीक है, किसी भी प्रिंट स्क्रीन कहते हैं उसको। और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल अल्ट प्लस करेंगे तो क्या होगा, उसका प्लेस स्नैपशॉट मिलेगा, ठीक है, पूरे पूरे विंडो एरिया को मिलता है। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट अल्ट लेफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट प्रिंट स्क्रीन होगा, ठीक है, और लेफ्ट अल्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ नम लॉक माउस की अदर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। 5 times प्रेस करोगे शिफ्ट क्या होगा, इस स्टिकी की ऑफ ऑन ऑफ हो जाएगा। नम लॉक 5 seconds के लिए बंद कर सकते हो टॉगल के लिए। विंडोज लोगो प्लस यू प्रेस करोगे तो यूटिलिटी मैनेजर ओपन हो जाएगा, और विंडोज लोगो प्लस डी ओपन करोगे तो डिस्प्ले डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। विंडोज लोगो प्लस जो विंडोज की होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज की के साथ एम प्रेस करोगे मिनिमाइज हो जाएगा। विंडोज की के साथ आप डी प्रेस करो तो डिस्प्ले डेस्कटॉप दिखेगा, और विंडोज लोगो
विंडोज की बात कर रही है, विंडोज विंडोज की और शिफ्ट एम यूज करोगे तो रिस्टोर मिनिमाइज, यानी मैक्सिम, देखो एम से होता है क्या मिनिमाइज, और शिफ्ट एम से करेंगे क्या मिनिमाइज विंडो, रिस्टोर करना है वापस। विंडोज लोगो यानी विंडोज की इस यूज करोगे, ओपन माई कंप्यूटर यानी आपको जो ड्राइव ओपन करना होता है तो आप विंडो ई का यूज करते हो बेसिकली। कंट्रोल एफ सॉरी विंडोज एफ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं। कंट्रोल विंडोज और एफ की से क्या करते हैं कंप्यूटर में सर्च करते हैं, जिसमें पता होगा आप लोगों को F3 भी यूज किया जाता है। विंडोज लोगो और F1 का इस्तेमाल किया जाता है हेल्प के लिए। विंडोज की और L का इस्तेमाल करोगे तो कीबोर्ड को लॉक कर सकते हो, ठीक है, और विंडोज की और R का प्रयोग करोगे तो रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें हम लोग रन आपने देखा होगा विंडो के साथ R प्रेस करते हो, ये वाला जो आपको की दिखता है विंडो के R प्रेस कर देखना, आपको रन वाला प्रॉपर्टीज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से विंडोज यू के साथ यूटिलिटी मैनेजर मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी कीबोर्ड्स के शॉर्टकट अगर आपको चाहिए उनका यूज करोगे, शिफ्ट अब यहाँ पे राइट शिफ्ट प्रेस करना स्विच की हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कंट्रोल F4 का इस्तेमाल करोगे क्लोज विंडो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और अल्ट टैब का यूज करोगे तो क्या होगा स्विच विंडो ओपन आइटम, बहुत सारे आइटम ओपन है तो अल्ट साथ टैब करोगे ना तो उसमें आप मूव कर सकते हो। अल्ट स्पेस करोगे सॉरी जो ये एस्केप बटन होता है जो कीबोर्ड के सबसे कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। F6 का इस्तेमाल करोगे स्क्रीन एलिमेंट जो होंगे डेस्कटॉप पे वो दिखेंगे। F4 का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो एड्रेस का डिस्प्ले होता है विंडोज एक्सप्लोरर दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लिखा है शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करो तो शॉर्टकट की हमने ऊपर देख ही लिया, ठीक है। अब देखो नीचे, अब हम बात करें MS वर्ड की कुछ शॉर्टकट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना। कंट्रोल सी से होता है कॉपी, कंट्रोल एक्स होता है सिलेक्टेड आइटम को कट करना, कंट्रोल वी से होता है पेस्ट करना, कंट्रोल जेड से होता है अंडो यानी बैकवर्ड कहते हैं इसको, कंट्रोल जेड हो गया डिलीट की से क्या होता है किसी भी सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करना, कंट्रोल राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं किसी भी मूव करना किसी भी इंसर्शन पॉइंट पे, और कंट्रोल लेफ्ट एरो का यूज करते हैं किसी भी सिलेक्टेड आइटम पे इंसर्शन पॉइंट पे मूव करना, कंट्रोल डाउन एरो यूज करेंगे क्या होगा सिलेक्टेड आइटम पे बिगनिंग से जाने के लिए, और अप का यूज क्या होगा किसी इंसर्शन पॉइंट में बिगनिंग से प्रीवियस में जाने के लिए। F1 का इस्तेमाल करेंगे हेल्प की, और अल्ट टैब से स्विच विंडो, अल्ट F4 से क्या होगा क्लोज एक्टिव आइटम यानी जितने भी आइटम ओपन है सब बंद हो जाएंगे, F10 से एक्टिव द मेन्यू बार इन द एक्टिव प्रोग्राम, F5 से फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल 0 से एड रिमूव 6 PT होता है ना प्रति टेक्स्ट की बात हो रही है स्पेसिंग, अगर आपको कैरेक्टर के बीच में स्पेस सेट करना है तो कंट्रोल 0 यूज करते हो, कंट्रोल बी से होता है हाईलाइटेड हाईलाइटेड मैटर को बोल्ड करना, यानी देखो कंट्रोल बी से करोगे किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। देखो कंट्रोल एफ से फाइंड अपने कर लिया, आई से किया टैलिक, जे से किया जस्टिफाई, एल से किया आपने लेफ्ट अलाइनमेंट, एम से किया इंडेंट पैराग्राफ, पी से किया आपने प्रिंट, और कंट्रोल बी से किया आपने बोल्ड कर, एक मिनट ये तो हो गया। अब देखो कंट्रोल आर से होता है राइट अलाइनमेंट, एस फॉर सेव नए फाइल को सेव करने के लिए, और कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, कंट्रोल वाई से होता है रीडो यानी फॉरवर्ड, कंट्रोल वन से होता है सिंगल स्पेस लाइन चेंज करना, कंट्रोल टू से होता है डबल स्पेस लाइन चेंज करना, कंट्रोल अल्ट वन से होता है चेंज सिलेक्टेड आइटम को हेडिंग को चेंज करना, कंट्रोल अल्ट टू से चेंज देखो हेडिंग को चेंज करना तो आपका इस्तेमाल कर सकते हो इनमें एमएस वर्ड एक्सेल फॉर्मेट में, कंट्रोल अल्ट थ्री का यूज करो और कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करो प्रिंट प्रीव्यू के लिए, किसी भी मैटर को प्रिंट करना हो तो उससे पहले कंट्रोल F2 किया करो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। F7 का इसमें इस्तेमाल करोगे स्पेलिंग चेक करने के लिए, शिफ्ट अल्ट डी का इस्तेमाल करोगे करंट डेट के लिए, और शिफ्ट अल्ट टी के साथ इंसर्ट करोगे करेंट टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताओ कि हम एमएस वर्ड में हाइपरलिंक को एक्टिवेट करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं, और रिप्लेस का यूज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं,